हेलो गाइड्स, ओपी लर्नर्स में आपका स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहोगे। तो गाइड्स, एक एलजी कंपनी का टीवी आया है मेरे पास सीआरटी टीवी रिपेयरिंग के लिए। आप देख सकते हैं एलजी कंपनी का है। इसका फॉल्ट आपको दिखाते हैं, इसका इसका फॉल्ट क्या है और ये कैसे बहुत ही आसानी से रिपेयर होता है। ओके गाइड्स, तो तेरा हमारा टीवी का जो प्लग, तो हम प्लग को इनपुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइड्स इनपुट कर दिया, आप देख सकते हैं टीवी का जो इंडिकेटर लाइट है यानी एलईडी है, एलईडी आप देख सकते हैं ग्लो हो रहा है, बहुत ही हल्का सा ग्लो हो रहा है। गाइड्स आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का सा ग्लो हो रहा है। ओके, तो इसका फॉल्ट ये है कि ये सेट जो है स्टैंडबाई नहीं हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं मेरा रिमोट रहा हमारा और हम पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, इसका इंडिकेटर चल रहा है। फ्रेंड्स आपको नहीं दिखा रहा है लेकिन इसका बहुत ही हल्का सा चल रहा है। ओके, इंडिकेटर चल रहा है लेकिन इसका जो रिमोट से ऑन कर रहा हूँ, रिमोट से ऑन करने से भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको ही आज खोलेंगे, आपको वीडियो के साथ करके दिखाएंगे पूरा काम इसका कैसे होता है, रिपेयर कहाँ पर फॉल्ट है। तो प्लीज़ गाइड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। के अंदर की हालत आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम खोल देंगे, इसका जो बोर्ड है इसको सर्किट से अलग कर देंगे। तो ये रहा हमारा, ये हम यहाँ से खोल दिया। गाइड्स ये है ग्राउंड का वायर जो हमारा बॉडी में जाता है, इस बॉडी के वायर में इसको खोल दिया। अब बहुत सावधानी के साथ इस बेस बोर्ड को खोलना पड़ेगा, ऐसे हिला के पुश करने में। और यहाँ पे जो है हमारा कैप, ओके गाइड्स, और यहाँ से जो वायर जाते हैं फोर वायर योक से, हमारा योक कॉइल से बोर्ड में, यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो मैं खोल दिया यहाँ से, और ये रहा हमारा स्पीकर का वायर। और ये हमारा डिकोजिंग कॉइल का। तो गाइड्स सब सॉकेट को मैं खोल दिया, यानी पिक्चर ट्यूब को अलग कर दिया और बोर्ड अलग कर दिया। ओके, तो गाइड्स पिक्चर ट्यूब अलग हो गया और बोर्ड अलग हो गया। तो आपको दिखाते हैं अब मैं क्या करूँगा। ये रहा बोर्ड, बोर्ड को बोर्ड की शोल्डरिंग की तरफ यानी पीछे की तरफ ले जाएंगे आपको। ये रहा हमारा कैप, इसको काम करने से पहले इसको बहुत ही सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, इसको आपको अलग से रखना पड़ेगा। तो मैं सेट को खोल दिया पूरा। ओके, अब क्या करना पड़ेगा। तो गाइड्स ये रहा हमारा पीसीबी, पीसीबी के बैक बैक साइड की तरफ आपको दिखाना है पूरा पीसीबी। तो ये रहा हमारा पावर सेक्शन। ओके, यहाँ तक जो बॉर्डर है यहाँ तक पावर सेक्शन, ये कोल्ड एरिया। तो बोर्ड का फंक्शन पूरा आपको दिखा रहे हैं। तो गाइड्स इस जो प्रॉब्लम आया है इस सिचुएशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको तो गाइड्स पहले जो हमारा 101 बल्ब देंगे जो यहाँ से जाता है 110 का लाइन हमारा एसटी पे बनता है, उसके बाद ही सेट ऑन होता है। तो हम यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे और देखेंगे बल्ब ग्लो हो रहा है या फिर नहीं। ओके गाइड्स, तो ये रहा हमारा बल्ब और ये रहा इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वायर। तो आपको इसका एक वायर जो 110 का लाइन है यहाँ पर लगा देना है पॉजिटिव पर, और ये रहा हमारा नेगेटिव यानी ग्राउंड। ओके, तो आपको ग्राउंड कहाँ से भी कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके गाइड्स, और ये रहा हमारा मल्टीमीटर। ओके तो ये मल्टीमीटर को आपको 200 के रेंज में रखना पड़ेगा डीसी, ये रहा डीसी हमारा वोल्टेज 200 के रेंज में रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मीटर को यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगा बहुत ही। तो गाइड्स मैं लाइन दे रहा हूँ सेट पे। ओके तो आप देख सकते हैं जो हमारा 110 का लाइन है वो बिल्कुल सही है। अगर सही नहीं होता तो ये बॉल ग्रो नहीं हो रहा था, तो यानी सही है हमारा लाइन, मतलब यहाँ तक बन रहा है लाइन। ओके अब देखेंगे इसका मल्टीमीटर का जो एक वायर है, एक ग्राउंड पे ले लेते हैं कहीं से भी कॉमन, और आपको ये जो पॉजिटिव है आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है। ओके 110 तक आना चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 98 है यानी सही है। अब इसका यहाँ पे वोल्टेज देखिए 86 वोल्ट। ओके गाइड्स यानी यहाँ तक वोल्टेज बन रहा है हमारा। तो गाइड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो वोल्टेज बन रहा है यानी 110 जो वोल्ट है हमारा। तो हम क्या अब क्या करेंगे, इसका इसका एक ग्राउंड ले लेंगे और इसका जो पॉजिटिव वायर है ये हम यानी कलेक्टर पिन पे, जो एसटी से जो कलेक्टर पिन में रहता है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन में, जो इसका वही उसी लाइन पे हम इसको दे देंगे पॉजिटिव वायर को। अब देखेंगे कि यहाँ तक लाइन बन रही है या फिर नहीं। तो गाइड्स मैं करंट को इनपुट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा बल्ब है ये ग्लो नहीं हो रहा है, यानी जो हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नहीं आ पा रहा है। तो आपको दिखाते हैं, तो मल्टीमीटर पे आप फॉलो कीजिए मैं ग्राउंड, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए आप 103 वोल्ट तक आ रहा है। ओके और हमारा जो यहाँ से है यहाँ पर देखिए आप 0.009 वोल्ट यानी 0 वोल्ट ही है ये। ओके तो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा देखना पड़ेगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऑन ओम्स का, वो कटे है या फिर नहीं। तो गाइड्स यहाँ पे आ जाइए आप, ये रहा जो रेजिस्टेंस, तो ये कट गया है। ओके तो इसके जगह पे एक हम अलग से ऑन ओम्स लगाएंगे रेजिस्टेंस, देखिए गाइड्स यहाँ पे यहाँ पे लगाएंगे जो 110 वोल्ट यहाँ से यहाँ पे दे देगा और हमारा एसटी बन जाएगा। ओके तो गाइड्स मैं लाइन को इनपुट कर रहा हूँ, तो गाइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, जो वोल्टेज हमारा नहीं मिल रहा था उस पार में, तो आपको दिखाते हैं कि वो वोल्टेज बन रही है या फिर नहीं। तो गाइड्स देखिए यहाँ तक वोल्टेज आ गया हमारा 100 वोल्ट। ओके यानी सही हो चुके हैं, तो आप देखते हैं क्या होता है। तो गाइड्स ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोल, और अब इसमें पावर को ऑन करेंगे, तो आप फॉलो कीजिए एलईडी की तरफ। तो मैं जब भी रिमोट को दबाया पावर बटन को, तो आप देख सकते हैं जो सेट है वो प्रोडक्शन में चल गया। इसका मतलब क्या 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 दे रहा है सेट, इसका मतलब ये है कि इसका कहीं पे भी फॉल्ट है। ओके देखिए पूरा सेट जो है हमारा डेथ पोजीशन में चला गया, इंडिकेटर भी नहीं चल रहा है। तो इसका यही बोलना चाहता है कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट है। क्या शॉर्ट है हमारा आउटपुट, अगर शॉर्ट होगा तो आउटपुट हम आपको माप के दिखाते हैं कि आउटपुट शॉर्ट है या नहीं। ओके गाइड्स ये रहा हमारा, तो इसको बीप रेंज में सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अगर शॉर्ट रहेगा तो ये बजेगा। ओके गाइड्स और ये रहा हमारा जो आउटपुट है, तो आपको दिखाते हैं मीटर पे फॉलो कीजिए।
और इस स्पिन में देखिए, सही है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, सही है। ओके गाइड, तो हमारा जो टेनिस्टर है यहाँ पे सही है, तो इसका फॉल्ट ये है कि ST जो ST हमारा है, ST शॉर्ट हो चुके हैं, ये जो ST है आप देख सकते हैं, ST शॉर्ट हो चुके हैं, इसलिए जो सेट रेडी होके वो शॉर्ट हो रहा है और पूरा बोर्ड को दिक्कत कर रहा है। तो हम इस ST को निकालेंगे और इसमें नया ST डालेंगे और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ या फिर नहीं। ओके गाइड्स, तो आप देखते रहिए ST कैसे खोलते हैं। ये रहा ST का पिन, इतने सारे पिन ST का है, इस सब को खोलना पड़ेगा। तो गाइड्स, आपको ST बहुत ही आसानी से कैसे खोलते हैं इसके बारे में बोल रहा हूँ कि ए है जो आप गाय का सुइया बोल सकते हैं आप, हाँ ओके, इससे ही बहुत ही अच्छा से ST का पिन ओपन कर सकते हैं आप, यानी मेहनत बचा गया आप। ओके, तो इसको आप इसे खोल के दिखाएंगे आपको कैसे खोलते हैं, बहुत ही आसान है। इसको आपको हीट करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे घुसा के आपको घुमा देना है, तो बहुत ही अच्छा से पिन ओपन हो जाएगा। बेस का फोकस का और स्क्रीन का दोनों वेयर हम रिमूव कर दिया, और ये रहा हमारा खराब ST, और इसका नंबर देख सकते हैं आप, 6600N। ओके, और इसकी जगह पे हम नया ST लगाएंगे, ये देख सकते हैं आप, नया है, और इसका नंबर भी आप देख सकते हैं, सेम नंबर है, 6006N। ओके, तो इसको हम सेट करेंगे और देखते हैं आखिर हमारा जो फॉल्ट था वो सही हुआ या फिर नहीं। ओके गाइड्स, तो आप देख सकते हैं जो ST हमारा था, ST को मैं लगा दिया सेट पे, आप देख सकते हैं, और ये जो बोर्ड है इसको फिटिंग कर दिया, स्पीकर के वायर सब लगा दिया, ईओके वायर। ओके गाइड्स, उसके बाद मैं लाइन दूंगा सेट पे और देखेंगे जो आखिर हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या फिर नहीं, तो देखते रहिए वीडियो के साथ। तो ये रहा हमारा लाइन और मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं क्या होता है। तो गाइड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये भी लिखा आ गया, यानी हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुके हैं, जो ST खराब था। ओके, तो इसका ST बदल के हमारा काम हो गया। अब देखते हैं पिक्चर आ रहा है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल ओके आ चुका है और साउंड भी ओके है। तो प्लीज़ गाइड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए। ओके गाइड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो से, तब तक के लिए बाय।